Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. तो यार आज मैं आप सब लोगों को टैक्सी राइड पे लेके चलता हूँ. जी हाँ, टैक्सी दिखाता हूँ यहाँ पे कनाडा में, खासकर हमारे सेंट जॉन या न्यू ब्रंसविक में टैक्सियाँ कैसी होती हैं. नथिंग डिफरेंट इन इंडिया या नथिंग डिफरेंट इन अदर कंट्रीज. हाँ, अपने यहाँ पे वो जैसे कोलकाता में येलो कलर की जो टैक्सी चलती है, या सेंट्रल लंदन में जो वो जो पुराने स्टाइल की जो हेरिटेज है वैसी ही टैक्सी चलती है, वैसी तो नहीं है यहाँ पे. आम गाड़ियाँ ही हैं जैसे कोरोला, सिविक है ना, सांटा फे टाइप. बस एक ही फ़र्क है, यहाँ पे ऊबर और लिफ्ट जो है ना वो नहीं चलती. अटलांटिक कनाडा में ऊबर और लिफ्ट नहीं है, और उसका रीज़न जानेंगे टैक्सी ड्राइवर से. ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर से ही मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यार क्या लाइसेंस या क्या परमिट चाहिए टैक्सी चलाने के लिए यहाँ पे, और पूछेंगे भाई एक दिन में कितनी टैक्सी चलानी पड़ती है, कितनी देर मेहनत करनी पड़ती है, और फिर फाइनली महीने में कितनी आमदन हो जाती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो ऑन अ क्विक राइड. क्या हाल है आफ्ताब भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया पाजी, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? बस बस बढ़िया. मीट आफ्ताब, काफी टाइम से इसको जानता हूँ, सेंट जॉन में रहता है. कितने सालों के तक यहाँ पे? तकरीबन मुझे 4 साल हो गए सेंट जॉन में. 4 साल हो गए, और कब से टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं? तकरीबन मुझे हो गए 1 साल हो जाएगा ये जनवरी में. अच्छा, 1 साल हो जाएगा. हाँ जी, चलो बढ़िया. कोई राइड पे चलते हैं और फिर कई सारी बातें करते हैं, ठीक है? तो आज आफ्ताब जो है टैक्सी राइड भी देगा और ढेर सारे सवालों के जवाब भी देगा हमको यहाँ पे. तो अगर मैं बात करूँ टैक्सी की, हाँ जी, तो तेरे को इसके लिए कुछ स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ा या कुछ स्पेशल परमिट? हाँ जी, नॉर्मल लाइसेंस से थोड़ा अलग इसकी प्रोसेस रहती है. इसके लिए क्लास 4 का एक लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम सर्विस न्यू ब्रंसविक. इसके लिए रिटर्न एग्जाम सेम एज 7.2 जैसे लिखनी रहती है. उसके बाद एज सून एज यू क्लियर दैट, आपको रोड टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एंड आफ्टर दैट यू आर गुड टू बी ड्राइव टैक्सी. और इसके साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना रहता है जो आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिर आफ्टर क्लिनिक के पास जाके आप ले सकते हो. वो सर्टिफिकेट किस लिए? कि भाई यू आर फिट. बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि आप सही से देख पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कमर्शियल ड्राइव करने वाले हो तो कस्टमर सेफ्टी वो लोग देखते हैं कि जो इंसान चलाने वाला है वो फिट एंड फाइन है कि नहीं है. ओके, और उसके अलावा कोई परमिट? आपको एक और कार्ड बनवाना पड़ता है फ्रॉम सिटी ऑफ सेंट जॉन, विच इज कॉल्ड ऑपरेटर लाइसेंस, जो कि आप दिखा सकते हो. अच्छा, तो ये ऑपरेटर लाइसेंस किस लिए होता है? इसका क्या कि भी तुम चला रहे हो गाड़ी, पैसेंजर चेक कर सकते हैं कि ये बंदा लीगल है कि नहीं चलाने के लिए. हाँ, क्योंकि टैक्सी का काम ऐसा है कि कोई भी गाड़ी उठा के ले जा सकता है, तो इन जस्ट मैटर ऑफ सिक्योरिटी. ओके, तो ये कार्ड रहता है. हाँ, ये इंडिया में तो मिलता है, ऑटो ड्राइवर्स को भी मिल जाता है आजकल, सबको मिलता है ना. हाँ, तो ये गवर्नमेंट इशू करती है. अच्छा, एक चीज बताया यार, यहाँ पे ऊबर और लिफ्ट क्यों नहीं आती? मतलब ये जो वेट टैक्सी है, सेंट जॉन टैक्सी है, ये क्यों चलती है यहाँ पे, ऐसा क्या सिस्टम है? पाजी, पहली बात कि अपनी सेंट जॉन सिटी जो है, आई थिंक सो पॉपुलेशन वाइज थोड़ी स्मॉल है, कम नंबर्स है, कम थोड़ी फैली हुई है, तो रीज़न बीइंग वो एक हो सकता है. सेकंड थिंग कि यहाँ पर टैक्सी बिजनेस और लोकल टैक्सीज का बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है. और मैंने ये भी सुना है कि ऊबर वॉज ट्राइंग टू कम इन सेंट जॉन, बट ड्यू टू सिटी सेंट जॉन सिटी रेस्ट्रिक्शन वो लोग आ नहीं पाए. अच्छा, जैसे मैं तेरी गाड़ी के ऊपर देखा वेट टैक्सी का जैसे ना बोर्ड सा लगा हुआ है. हाँ ना, बैनर सा, तो क्या सीन है, गाड़ी तेरी है या वेट वालों की है, या उनके साथ तू काम करता है, या तू एम्प्लॉयड है उनके लिए काम करता है, क्या सीन है? बेसिकली पाजी, वेट्स टैक्स एक कंपनी है और मैं उनके अंडर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. सो जितने भी पिकअप एंड ड्रॉप होते हैं, आई गॉट इट थ्रू वेट्स टैक्स, एंड आई हैव टू गिव अ वीकली फी विच इज $200. वो डज नॉट मैटर आई वर्क और डू नॉट वर्क, मुझे एनी वे उसको पे करनी ही है. मतलब तू गाड़ी पार्किंग लॉट से निकाल ना निकाल, $200 तेरे को हफ्ते का देने, $200 देने ही देने हैं. तो बाकी जो कमाई है वो सारी तेरी, बाकी जितना भी पिकअप्स एंड ड्रॉप में से मुझे इंश्योरेंस एंड गैस का खर्चा निकालना रहता है, अदर देन सब कुछ मेरा हो गया. गाड़ी की मेंटेनेंस भी तेरे जिम्मे? सब कुछ मुझे हैंडल करना है. जस्ट कंपनी मुझे कॉल्स देती है, अदरवाइज कॉल्स कैसे
कॉल्स पाजी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से हम लोग को कॉल्स मिलती है और वहाँ पर बेसिकली लोकेशन आ जाती है कि पैसेंजर को यहाँ से पिकअप करना है एंड ड्रॉप अप का भी एक ऑप्शन रहता है। मतलब डिस्पैचर बैठा हुआ बीच में, जो एक डिस्पैचर बैठा है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है ठीक है जो टैक्सी चलाना जाता है पार्ट टाइम फुल टाइम, बट उसके पास गाड़ी नहीं है तेरी तरह, ओके, तो वो क्या करे या उसका क्या समाधान है, क्या प्रोविजन है उसके लिए? उसके लिए पाजी सेम हमारे जैसा ही रहता है, क्लास 4 का लाइसेंस होना चाहिए और वो किसी के साथ भी फिर काम कर सकता है। कंपनी को जाके सिर्फ बोलना है कि मुझे जॉब चाहिए। अच्छा। एंड बस उसको सिर्फ अपनी खुद की गाड़ी नहीं लगानी है, कंपनी की गाड़ी चलानी है। तो इसमें पैसे वैसे का क्या सीन होता है, वो सैलरी मिलती है या पर राइड मिलता है, कट होता है, क्या सीन होता है? पर राइड आपको मिलता है। अच्छा। जितना भी आप दिन का अर्न करते हो टोटल जितने भी पिकअप्स रहते हैं उसके 40% मिलते हैं। 40% आपको मिलेगा, 60% कंपनी रख लेगी। कंपनी को रख लेगी। और ये सूखा सूखा काम है, इसमें ना गैस की परवाह ना मेंटेनेंस की चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं, आपने काम करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट आओ काम करो और जाओ गाड़ी चलाओ। हाँ जी। अच्छा, शिफ्ट विफ्ट का क्या सिस्टम होता है तेरा? कितनी देर एक दिन में गाड़ी चला लेता है या एक हफ्ते में, क्या सीन है तेरा? पाजी मिनिमम मैं 12 आवर्स डालता हूँ मेरी गाड़ी पे। मतलब एक दिन में तू 12 घंटे गाड़ी चलाता है? हाँ जी। और 7 डेज अ वीक? 7 डेज अ वीक, कभी ऑफ लेना रहता है, कुछ घर का काम रह गया है या फिर क्रिकेट विकेट खेलना रह गया तो वो मेरा ऑफ दिन रहता है, बाकी मैं कभी भी चला सकता हूँ। अगर मैं हिसाब लगाऊँ महीने में तो कितने दिन गाड़ी चला लेता है तू? तकरीबन 25 डेज तो मैं चलाता ही हूँ, 5 डेज मेरे लिए रखता हूँ, उसमें पर डे का 10 से 12 घंटे का हिसाब लगा लो। अच्छा, जो नेक्स्ट सवाल है, आई होप यू फील कम्फर्टेबल आंसरिंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि आई वॉन्ट टू आस्क कि यार कितनी आमदन हो जाती है एक महीने में, कंसिडरिंग कि तू 12 घंटे एक दिन में लगाता है, 25 दिन काम करता है महीने में, तो एक मोटा मोटा इफ यू कैन यू नो गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच यू अर्न। पाजी डिपेंड्स सीजन टू सीजन, विंटर में काम थोड़ा स्लो रहता है और समर में थोड़ा अच्छा खासा रहता है, बट ऑन एन एवरेज यू कैन मेक फ्रॉम 4,000 to 5,000। अब यार आफ्ताब, जैसे कि तूने एक गाड़ी डाली हुई है। हाँ जी। ये अपनी और खुद चला रहा है। सही। जैसे मैंने ट्रकर्स को देखा है, वो क्या करते हैं कि वो अपने 2-3 ट्रक डाल लेते हैं और साथ साथ ड्राइवर भी रख लेते हैं। सही। क्या यहाँ पे भी ऐसा प्रोविजन है, ऐसा हो जाता है? हाँ जी, सेम काम आप कर सकते हो, जैसे आपने ट्रकिंग का बोला वैसे टैक्सी में भी लगा सकते हो। वैसे मेरी ये फुल टाइम मैं इस पे करता हूँ और एक और गाड़ी मैंने एडिशनल लगाई हुई है वैसे टैक्सी में। अच्छा। और उसके ऊपर एक और बंदा एम्प्लॉयड है। अच्छा, एक बंदा एम्प्लॉयड है, तो उसके साथ तो फिर वो वाला हिसाब कर लेता होगा, जैसे 60-40 टाइप वाला है। हाँ जी, कुछ रेशो वाइज कर लेता होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी मेंटेनेंस तेरी होगी उस गाड़ी की? सब कुछ मेंटेनेंस मेरे, खर्चा पानी सब कुछ मेरा हो गया और वो जितना अपना पोर्शन होगा वो खुला लेके जाएगा। अब मैं एक सिंपल सा सवाल मेंटेनेंस की बात करूं तो एक महीने में एक गाड़ी की कितनी मेंटेनेंस हो जाती होगी या एक गाड़ी पे कितना मेंटेनेंस का खर्चा हो जाता होगा? मेंटेनेंस पाजी मैं आपका वीक का बोल सकता हूं, एक वीक का तकरीबन 250 से 300 का गैस मान लो। अच्छा। और 3 महीने में या 3.5 महीने में एक बार एक ऑयल चेंज करवाना रहता है। अच्छा। और बस दैट्स ऑल। उसके अलावा ऑयल चेंज में डिपेंड्स आप किसके पास से करवा रहे हो, अगर अच्छा वाला करवा रहे हो तो इट कुड बी बिटवीन 100 to 120। अच्छा। और अगर सस्ता वाला तो 60-70 में भी हो जाता है। ये हम बड़ी प्यारी सी लेक, फ्रोजन लेक पे आ गए हैं, जो पीछे अगर आप देख रहे हो और एक छोटा सा लिटिल रिवर है ना, क्या लिटिल रिवर? लिटिल रिवर है। हाँ जी। अब मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, रुको। ये ईस्ट ऑफ सेंट जॉन आए हैं हम लोग। अच्छा ये बता, तेरी गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, गाड़ी काफी अच्छी एडवांस ही लग रही है, बड़ी साफ सुथरी भी है। हाँ जी। तो गाड़ी तूने सेकंड हैंड ली थी या नहीं ली थी? ये गाड़ी पाजी मैंने सेकंड हैंड ली थी और सेकंड हैंड में मैंने 2016 का मॉडल लिया है और ये फोर्ड फ्यूजन।
परफ्यूजन है। हाँ जी, तो गाड़ी का भी कोई चक्कर होता है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इंडिया में रिक्वायरमेंट है ना? सही, नहीं यहाँ पर भी रहती है, मिनिमम आई थिंक 2015 मिनिमम कार का मॉडल ईयर होना चाहिए, उसके नीचे ईयर वाले आप नहीं लगा सकते हो। अच्छा 2015, तो मतलब अभी जैसे हम 24 में, तो 2015 हो गया, तो 9-10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, थोड़ी सी विंड चल रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑडियो कितनी अच्छी आ रही है, बट मेरे हिसाब से अब ठंड लगने लग गई है, हफ्ता अंदर जा रहा है, ठंड हो गई है कुदरती आज, इट्स -7 और -6 और कल जो था +6 में था। अच्छा, कोई चैलेंजेस गाड़ी चलाते हुए तुम लोग फील करते हो या तुम्हें चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी ओनर? फर्स्ट ऑफ ऑल बैड वेदर में गाड़ी चलाना थोड़ा दिक्कत पड़ता है, क्योंकि बहुत बर्फ़ रहती है, स्लिप होने के गाड़ी स्लिप होने की बहुत चांसेस रहते हैं, तो एक डिफ़िकल्टी ये विंटर में होती है। अदरवाइज टॉकिंग अबाउट पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स कोई कोई अच्छे अच्छे पैसेंजर्स भी आते हैं जो टिप वगैरह भी दे के जाते हैं, उन लोग को कभी सर्विस अच्छी लगी, कभी अच्छी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई। कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि सर्विस यूज़ करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली फिर हमको पेमेंट नहीं मिलती है। तो इन सेंट जॉन आई वुड से टैक्सी सेफ है, बट पेमेंट नहीं मिलती तो फिर क्या करना पड़ता है? पेमेंट नहीं मिलती पाजी, हम लोग के पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो पहले हम जाने दें, हमारा लॉस ले ले, लॉस उठा ले, दूसरा ये रहता है कि हम लीगल प्रोसीजर फॉलो करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, बाकी फिर पुलिस आगे अपनी इंक्वायरी लगाती है, उसके बाद फिर हमारी पेमेंट मिल जाती है। और ऐसा भी कोई आता है कि जो गाड़ी बड़ी गंदी कर जाता है, या बच्चे अच्छे गंदी कर गए, या पब वब से तूने उठाया है ना और उल्टी कर दी? हाँ जी बाजी, ऐसे ऐसे लोग भी कहीं मिले हैं कि जो लोग ऐसे आते हैं क्लब में। कितनी बार ही मैं वीकेंड्स नाइट को काम करता हूँ, बहुत ड्रंक पीपल को मैं पिकअप एंड ड्रॉप करता हूँ, तो कहीं बार ऐसे रहते हैं वो ओवर ड्रिंक करने की वजह से वॉमिट करते हैं, फिर वही है कि उनके पास साफ़ करवाना रहता है हमें, कहा तो फिर साफ़ कराओ, कहा तो फिर पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर लो सफाई के लिए, दे देते हैं लोग ऐसा फिर होता है तो। हाँ जी, फिर वो लोग हमारे पास डेबिट मशीन रहती है, हम उसी से चार्ज करवा लेते हैं, वरना कैश से ले लेते हैं। ये क्या है जो हाँ से आवाज आती रहती है, ये वॉल्यूम भी तू इधर उधर करता रहता है, इसका क्या सीन है? ये बाजी रेडियो है, कम्युनिकेशन एक सिस्टम है मेरे और डिस्पैचर के बीच में, जस्ट इन केस कभी कस्टमर या पैसेंजर मेरे पे लाउड हो गया या कुछ खतरा मुझे है, मुझे कुछ इन डेंजर लग रहा है, तो मैं लोग को कांटेक्ट कर सकता हूँ, इसको दबा के मुझे यूज़ करना रहता है। अच्छा, तो वो लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, नॉट जस्ट कि आई एम इन डेंजर, बट बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि लाइफ ऑफ अ टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे कैसी होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कैसे एक लिविंग टैक्सी ड्राइवर अपनी निकालता है। तो यार, एक लाइक बनता है टैक्सी ड्राइवर के लिए और एक मेरे लिए जो वीडियो बना रहा है। इट्स गेटिंग क्वाइट डार्क आउटसाइड अभी, और अभी घर चलते हैं, जाने से पहले जैसे मैं आपको बोल ही रहा हूँ यार, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं किया, मोटिवेशन मिलती है। फिर मिलेंगे एक और बढ़िया से व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, टिल देन गुड बाय, सी या।